नमस्कार दोस्तों, मैं आज सभी के सामने जावा एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। तो जावा एनवायरनमेंट क्या होता है और जावा क्या होता है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा जावा एनवायरनमेंट। आज का ट्यूटोरियल है जावा एनवायरनमेंट। हमने पिछले वीडियो में दूसरी चीज की चर्चा की थी जावा के बारे में, और आगे जो पढ़ेंगे वो जावा एनवायरनमेंट के आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जावा एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जावा एनवायरनमेंट जानने के लिए हमको जावा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट यानी वातावरण, ठीक, पर्यावरण। तो जावा एनवायरनमेंट इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल एंड हंड्रेड ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। तो जावा एनवायरनमेंट जो होता है उसमें इंक्लूड की गई है, मतलब पहले से ही वो, मतलब ज्यादा संख्या में डेवलपमेंट टूल है। जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो ज्यादा संख्या में जावा एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक। एंड हंड्रेड्स एंड क्लासेस एंड मेथड्स, मतलब इसमें जो जावा डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जितने लार्ज नंबर में, मतलब ज्यादा संख्या में इसमें डेवलपमेंट टूल्स हैं, वो क्या है, संख्या में 100 से ज्यादा क्लास एंड मेथड्स हैं। तो द डेवलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो सिस्टम के भाग हैं। तो वो कौन से हैं ये हम बताता हूँ। जावा डेवलपमेंट किट, जड़ी के, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, ठीक। दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और पहला क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। तो हम सबसे पहले जानते हैं जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। तो जावा डेवलपमेंट किट जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, जेडीके, उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और द जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट के बारे में अच्छे से बताता हूँ। द जेडीके कम्स विद कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम्स। जावा डेवलपमेंट किट जो है वो कलेक्शन है टूल्स का, मतलब उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब कई टूल्स का कलेक्शन होता है, समूह होता है, जो कि डेवलप और रन, जावा प्रोग्राम को डेवलप करने और रनिंग करने के लिए जेडीके का यूज होता है। जावा डेवलपमेंट किट का यूज कहाँ होता है, जावा प्रोग्राम्स को डेवलप करने और रन करने में, तो जेडीके का यूज होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट कौन कौन से होते हैं, उसमें जो टूल्स होते हैं वो टूल्स क्या कहलाते हैं। जैसे हमने बताया है कि द जेडीके कम्स विद कलेक्शन ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स का कलेक्शन होता है। तो कौन कौन से टूल्स हैं, और कुछ मैं टूल्स का नाम बताऊंगा, बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें 100 से भी ज्यादा टूल्स हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, किसी भी, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर का काम क्या होता है, फॉर व्यूइंग जावा एप्लेट्स। जो जावा में एप्लेट्स यूज होते हैं वो उसे व्यू करने के लिए, शो करने के लिए यूज होता है एप्लेट व्यूअर। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। और दूसरा होता है जावा सी, जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जावा जैसे ही हमने कंपाइल करा है, जावा कंपाइल करते ही एक क्लास फाइल जनरेट होती है, ठीक। और जो एप्लेट व्यूअर होता है वो सोर्स कोड हम जैसे ही लिखते हैं, जब अपने, जैसे कि हमने जो जेडीके 1.3 जैसे है कोई यूज करता है, या जो भी जितने भी जावा के प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक, एडिटर होते हैं, हम जब उसमें सोर्स कोड लिखते हैं वो क्या होता है, एप्लेट व्यूअर होता है। लेकिन जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल जनरेट होती है जिसे जावा सी और जिस नाम से सेव किए होते हैं, तो उस क्लास का नेम, मतलब फाइल नेम डॉट जावा एक्सटेंशन नेम। इस तरह से जावा कंपाइल करते हैं, और जावा कंपाइल करते ही एक जावा कंपाइल से एक क्लास फाइल जनरेट होती है। फिर तीसरा होता है जावा, जावा टूल्स का क्या काम होता है, जावा इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, ठीक। फिर होता है जावा पी, जो जावा डिसेम्बलर होता है। जावा डिसेम्बलर क्या कहता है, जावा डिसेम्बलर से डिसेम्बलर क्या। फिर जावा एच, जावा एच क्या काम करता है, जावा फार सी हेडर फाइल्स, मतलब हेडर फाइल्स को शो कराता है, दिखाता है कि जावा एच कमांड से जावा हेडर फाइल्स होती हैं। फिर होता है जावा डॉस डॉक, जावा डॉक का क्या काम होता है, जावा डीओसी, जावा डीओसी के काम होता है फार क्रिएटिंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जावा डॉक कमांड, जावा डीओसी कमांड होता है। फिर जो टूल्स होता है, फिर जावा जेडीबी, जेडीबी क्या होता है, जावा डीबगर, जावा डीबगर। तो जावा डीबगर क्या होता है, जो बताता है कि एरर कहाँ पे है और उसे फाइंड करता है, वो होता है जावा डीबगर।
तो हमने बताया कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे कि जड़ीय जावा डिबगर जो होता है, उसके बाद हम टेक्स्ट एडिटर, जैसे उसका फिगर क्या होता है, वो फिगर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर सबसे पहले होता है। टेक्स्ट एडिटर के बाद उसमें हम जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें हम जावा सोर्स कोड लिखते हैं। जो सोर्स कोड होता है, अगर हम जावा डॉस कमांड चलाते हैं तो वो क्या करता है, हमारा डॉक्यूमेंट फाइल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है। हमने आपको बताया है जो रूल्स होते हैं, जावा डॉस का यूज करेंगे तो क्या होगा, एचटीएमएल फाइल, फॉर क्रिएटिंग एचटीएमएल फाइल। तो उसी तरह से जब हम जावा डॉस कमांड चलाएंगे तो एचटीएमएल फाइल क्रिएट होगी। फिर हम यदि हम जावा डॉस कमांड नहीं चलाते हैं तो जावा सोर्स कोड में हम क्या करेंगे, जावा क्लास फाइल बनाएंगे। तो जावा क्लास फाइल बनाने के लिए जावा सी कंपाइल हमने बताया था, जावा क्लास फाइल बनेगी। तो अगर हम उसमें से फिर उसके बाद हम जब जावा क्लास फाइल बना लेंगे तब हेडर फाइल्स अगर हम देखना चाहें तो जावा एच कमांड चला के हेडर फाइल्स को कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। फिर होता है जावा क्लास फाइल के बाद जावा, तो हम जावा जैसे करते हैं तो वो इंटरप्रेटर का काम करता है, आपको मैंने बता चुका है। तो जावा जावा कमांड चलाएं तो फिर हम जावा डीबी चला सकते हैं, यानी जावा डीबगर। अगर हम उसमें कोई इरर देखना चाहते हैं, वो कैसे रीड करता है, कैसे इरर हटाता है, उस इरर को हटाने के लिए डिबगिंग कहा जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो जावा डिबगिंग क्या कहलाता है, जब कोई इरर फाइंड करें और उस इरर को हटाने की प्रक्रिया ही डिबगिंग कहलाती है, तो जावा डिबगर। और जैसे ही हमने जावा कमांड चलाया इंटरप्रेटर के बाद तो हमारा जावा क्या होता है, जावा प्रोग्राम का आउटपुट हो जाता है, ठीक। और जो आपने अभी तक ये फिगर देखा है वो फिगर क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड रनिंग जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने और बनाने की जो प्रोसेस है वो इस तरह से है, ये जो आपने पिछला देखा इंटर वही है। अब मैं आगे भी दे देता हूँ वही चीज़, वही सेम प्रोसेस। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिससे जावा से रिलेटेड या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन देने की जरूर पूरी पूरी कोशिश करूँगा। यदि उस दिन नहीं मिल पाती तो सेकंड दिन, थर्ड दिन कहीं ना कहीं से सर्च करके मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।